नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। आखिर क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, आइए जानते इसी बारे में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलते, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। इसी कड़ी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है। इस बार गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई यानी रविवार को पड़ रही है, तो आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। शास्त्र में गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक। गुरु को इसलिए गुरु कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। भारतीय संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना गया है। गुरु को हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश के समान पूज्य माना जाता है। वेद उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग आज से कम 5-6 हजार साल पहले हुआ था। उनके सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था, अतः यह दिन सो व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी ने अनेक शिष्यों से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रारंभ की थी। पुष्प मंडल में उच्चासन पर गुरु यानी व्यास जी बिठाकर पुष्प मालाएं अर्पित की, आरती की तथा अपने ग्रंथ अर्पित किए, जिस कारण हर साल इस दिन लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। कई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में सभी ऋतुओं का अपना अपना महत्व है। गुरु पूर्णिमा खास तौर पर बस्तर ऋतु में मनाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इन 4 माह में ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी होती है। यह समय अध्ययन और अध्यापन के लिए अनुकूल और सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गुरु चरण में उपस्थित शिष्य ज्ञान शांति भक्ति और योग शक्ति को प्राप्त करते हेतु समय का चयन करते हैं। वैसे तो हर दिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। वर्ष की अन्य सभी पूर्णिमाओं में इस पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमा का फल मिलता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों महापुरुषों माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे सबसे पहले एवं हम इंस्टाग्राम में फॉलो करें।